स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आंटी एम संजू ब्लॉग्स में। तो आज है छठ पूजा का खरना और हम लोग जा रहे हैं गांव। तो कितना दिन से इंतजार था ये गांव जाने का, तो हम लोग जा रहे हैं गांव। तो अभी गाड़ी आने वाला है, हम लोग स्टेशन जाएंगे, उसके बाद गांव जाएंगे। तो गांव में भी अच्छे से वीडियो लेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, अभी गाड़ी आने वाला है, हम लोग स्टेशन जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैं जाने वाली हूँ गाँव, अपने गाँव फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। हाँ, हम भी जब से मेरा शादी हुआ तब से एक बार भी गाँव नहीं गए हैं। ये 9 साल के बाद मैं अपना ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई रहते ही नहीं थे। अब तो इधर आके जब मेरे ससुर मतलब रिटायर हो गए थे पहले ही, लेकिन नहीं जाते थे गांव, बहुत कम जाते थे। लेकिन अभी जब वो मौका मिला है, कुछ गांव में भी घर द्वार ठीक ठाक करना था, तो हम लोग सोचे कि छठ पूजा इस बार वहीं पे होगा। तो हम लोग जा रहे हैं गाँव, और इतना लेट से जा रहे हैं क्यों, क्योंकि हम लोग का टिकट नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम लोग आज का दिन का टिकट मिला है, इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं गाँव। खैर कोई बात नहीं, हम लोग छठ पूजा का पहला अर्घ तो देख ही लेंगे। तो चलते हैं गाँव, गाँव जाके फिर अच्छा अच्छा वीडियो शेयर करेंगे आप लोग के साथ। अब गाड़ी आ चुकी है और फिर हम अगर मौका मिला तो ट्रेन में और स्टेशन पे वीडियो हम लेंगे, नहीं तो वहाँ उतर के लेंगे वीडियो। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बैंडल स्टेशन, यहाँ से हमारी गाड़ी 8:37 में गाड़ी है। चाबी वगैरह देखो इधर, तो ट्रेन पे हम लोग बैठ चुके हैं, वीडियो लेने का समय नहीं मिला दोस्तों, और ये बच्चों को खाना खिला रही है, भूख लगी थी इन्हें। तो सुबह हो चुकी है, बच्चे सो के उठ चुके हैं, अब थोड़ी देर में हम भी पहुंचने वाले हैं। Thank you.
अब हम लोग उतरने वाले हैं, इसीलिए गेट के पास हम लोग आ चुके हैं। 5 मिनट में हम लोग अब उतर जाएंगे अपने स्टेशन। तो दोस्तों ट्रेन से हम उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं अपनी गांव की ओर टोटो में। आज है शाम का अर्घ, आज ही है, तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट शाम के अर्घ के लिए घाट से मिलते हैं। घर पहुंचने के बाद हम लोग फ्रेश होकर के नहा धोवा करके फिर शाम को हम लोग अर्घ के लिए निकल चुके हैं। और ये हमारे गांव का रास्ता है जो नदी की तरफ जाता है, जहां पे शाम का अर्घ होना है। ये मेरे पिताजी हैं, माता श्री है, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है और ये मेरी दीदी है। गांव का सूर्य मंदिर है दोस्तों। ये जो मंदिर है, ये जो मूर्ति है ना, यहाँ पे खुदाई में मिला था, तो फिर गांव के लोगों ने मिलकर ये मंदिर बना दिया। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम आ चुके हैं घाट पे सुबह के अर्घ के लिए।
और कमेंट में ओम घृणी सूर्याय नमः लिखना ना भूलें। Thank you.